हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। देखिए दोस्त, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देश भर के तकनीकी संस्थान 1 जुलाई से खुल जाएंगे। अब देखिए, यहां पर तकनीकी संस्थानों की बात की गई है और ये भी बात की गई ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम की, कि ऑफलाइन का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये गाइडलाइंस जो जारी की है, मैं डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा। बात दोस्त ये है कि कोरोना से बंद पड़े देश भर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सभी के और उससे दूसरे अर्थात इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित दूसरे तकनीक संस्थान 1 जुलाई से खुलेंगे। हालांकि इस दौरान संस्थानों में परीक्षाएं पहले परीक्षाएं कराने को कहा गया, लेकिन जिन संस्थानों में परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तकनीक संस्थानों से छात्रों से प्रवेश के लिए किसी तरह की एडवांस फीस ना वसूलने के भी निर्देश दिए। और आपको बताना चाहेंगे, यह भी कहा गया संस्थानों को फीस न बढ़ाने के लिए पहले से ये निर्देश दिए जा चुके हैं। अर्थात जो आप जे एडमिशन लेते हैं या उनको फीस जमा करनी होगी, उनसे एक्स्ट्रा फीस ना ली जाए, ये चीजें कहा गया। एडवांस में फीस ना ली जाए, ये चीजें यहां पर ये भी इंक्लूड किया गया। आगे दोस्त ये हुआ कि तकनीक संस्थानों की नियामक संस्था जो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद है अर्थात AICTE ने इस बीच अपना कोई अलग से एकेडमिक कैलेंडर न जारी करते हुए जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर जारी UGC की गाइडलाइन है, वही को उन्होंने अपनाने को फैसला लिया है। अर्थात जो UGC लगातार जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है उनके लिए जो गाइडलाइंस जारी कर रहा है, उसी को यहाँ पर AICTE ने अपनाने को फैसला किया है। और यहाँ पर आगे बात कहा गया दोस्त कि साथ ही सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और दूसरे तकनीक संस्थानों को इसके तहत ही आगे के शैक्षणिक सफर को योजना बनाने को कहा है। इसके तहत सभी तकनीक संस्थानों में से 1 अगस्त से पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आपकी स्टडी जो बात की गई है वो आपको 1 अगस्त से कहा गई है, और यहां पर आपको एग्जाम के लिए जो कहा गया दोस्त, वो एग्जाम 1 जुलाई से, उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से एग्जाम के लिए कहा गया। और यहां पर पेपर में भी आपको बताया गया कि आपका पेपर जो एग्जाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हो सकता है, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो UGC के गाइडलाइन के तहत तकनीक संस्थानों को भी यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परीक्षाएं कराने का विकल्प दिया गया है। और यहां पर यह भी कहा गया, मौजूदा समय में 10,000 से ज्यादा तकनीक संस्थान, जिनमें से 30,000 से ज्यादा, अर्थात दोस्तों यहां 30,000 लिखा है, इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, यह चीज यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुई होगी। यहां पर क्या है कि 30,000 से ज्यादा है। तो यहां पर AICTE के मुताबिक जुलाई तक संक्रमण के खिलाफ, यहां पर देख सकते हैं, ये खिलाफ मतलब खत्म होने के उम्मीद को देखते हुए ही सभी संस्थानों को तैयार करने को कहा गया है। अर्थात जैसे यहां पर संक्रमण खत्म होता है तो यहां पर ये चीज कहा जा रहा है कि संस्थान तैयार रहे यहां पर एग्जाम या फिर क्लासेस के लिए। जैसे ही खत्म होगा ये सभी यहां पर अपडेट किया जाएगा, लेकिन कोई अंतिम निर्णय उस स्थिति को देखते हुए अभी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय उस समय की स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर लास्ट स्टेज जुलाई तो कहा गया है दोस्त कि आपके जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन ये चीज कह सकते हैं कि आपका जुलाई में तभी आपका कहा जा सकता है कि अगर जून तक ये सभी जो आपका कोरोना का कहर है ये आपका कम हो जाता है तभी कह सकते हैं। देखिए दोस्त, आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको हमारे चैनल करंट जॉब का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की जो न्यूज है आपको मिलती रहे। और अगर आपका किसी प्रकार का हमसे मैसेज करना है, आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का मिल जाएगा लिंक, वहां पर आप जाकर हमसे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 24 घंटे के अंदर जैसे लॉगिन होगा आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा। देखिए दोस्त, ये तकनीक संस्थान था, यहां बात दोस्त ये दिल्ली से न्यूज आई है। तो जितने भी बीटेक के कॉलेज हैं, तो पहले तो कह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, तो उनका अपडेट यही कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज 1 जुलाई से ओपन वाले। बात है पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए, तो उनके लिए दोस्त यही कहना चाहेंगे कि यहां पर जो न्यूज है ये सभी तकनीक और यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेजों को कहा गई है। तो यहां पर ये है कि सभी मतलब भारत की सभी यहां पर कहा गया, देश भर की मतलब इंडिया की टोटल सभी के राज्यों के लिए कहा गया है। तो अगर यहां पर से अब यूपी से कोई यहां पर ऑफिशियल अपडेट होती है कि आपका इतने दिन से कॉलेज ओपन हो रहा है और आपकी ये भी परीक्षा होगी, तब यहां पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आपका मान्य होगा। ये तो आपका हो चुका है कि 1 जुलाई से आपका ओपन हो गया, वहां से हो जाएगा, लेकिन यूपी में कब से आपका अर्थात जुलाई में, अगर ये जुलाई में ही ओपन होता है तो किस डेट से किस डेट को एग्जाम कराया जाएगा, ये आपका UPBT की द्वारा ही पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए अपडेट हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए तो ऐसा कहा गया है, तो वो चीजें यहां पर अपडेट होगी, लेकिन पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एक कहना चाहूंगा, जब UPBT की द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट होगी तभी ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब और किस डेट से होने वाला है। अभी तो ये कहा गया है 1 जुलाई से। तो आप लेकिन ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी को तैयार रखें, आप पढ़ाई करते रहें, कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो
हम जैसे आपको हमने बताया कि आपको हमारे करंट जॉब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्यूचर में आने वाले समय में आपको जैसे PDF और भी पॉइंट्स जैसे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको वहाँ पर आसानी के साथ मिल सके। तो यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।